ये तो ये किसी ने अपनी लॉक कर रखी और इसका धोपू है। आज जा रहा हूँ फिर मैं SFU बर्नबी कैंपस, 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा पहुँचने में। स्टेशन बस हाँ जी, ये है फिर SFU का सामने का लुक। और ये वो वाली बिल्डिंग जो इंटरनेट पे दिखती है, पूरा टाइम बस यही दिखाई जाती है कि ये है SFU बर्नबी। ये ढूंढने में मेरे को 15 मिनट लग गए, जितना भी मैंने देखा है वीडियोस में उससे यही पता है कि ये 1 लेग भागे थे और अक्रॉस बर्नबी या फिर अक्रॉस कनाडा भागे थे, मेरे को मैं श्योरिटी नहीं है इस बात की। ये स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग है पूरी, अंदर स्टूडेंट सोसाइटी है। इसके अंदर ओरिएंटेशन लीडर्स या फिर कुछ ओरिएंटेशन टाइप हो तो सब अंदर होता है। और यहाँ जो मैं बता रहा था हॉलवे है, तो पहाड़ों की कमी तो नहीं है। यहाँ सामने से आया हूँ मैं अभी जस्ट अभी SFU बिल्डिंग से, और फुटबॉल फील्ड भी ढूंढ रहा हूँ कि किधर हो किधर हो। दिख गई, दिख रही, ये रही सामने फुटबॉल पिच, सॉकर पिच, और रग्बी के लिए भी इधर ही है, तो यहीं जाता हूँ अब। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है इधर, और पार्किंग से लॉन डेविस कॉम्प्लेक्स, ये है फुटबॉल फील्ड और ट्रैक भी है साथ में। अंदर स्विमिंग सेशन चल रहे हैं, अगर किसी को स्विमिंग सेशन के लिए आना होता है तो पहले सेशन बुक करना होता है और फिर आ सकते हैं। ये बैठने के लिए ज़्यादा ऑक्यूपेंसी तो नहीं है, पर 1,500-2,000 लोग बैठ सकते हैं, इतनी ऑक्यूपेंसी है। आगे तक भी है, बहुत आगे तक भी बैठ सकते हैं, पर काफ़ी अच्छी पिच अच्छी लगी मेरे को। सिर्फ स्विमिंग वाले सेशंस चल रहे हैं अभी, कोई खेल नहीं रहा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट सेक्शन 5 है, तो 4 और कोर्ट्स हैं बास्केटबॉल के, और अगर मेरे को अलाउड हुआ तो मैं चेक करता हूँ स्विमिंग वाले सेक्शन में। पूल खुल गए हैं और काफ़ी रिग्रेट कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ के, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि यहाँ सेशन बुक करके अभी भी आज अब किसी को आज करना है तो आज भी कर सकता है वो। अभी नए रीसेंट नाम तो नहीं है, अंदर मेरे को लग रहा है बास्केटबॉल कोर्ट है। फील्ड्स तो देख ली मैंने सारी की सारी, अब आधा घंटा जितना बचा है, आधे घंटे में मैं अप्लाइड साइंसेस बिल्डिंग, और अगर कोई BDS स्कूल ऑफ बिजनेस बिल्डिंग हुई या फिर आर्ट्स बिल्डिंग हुई तो उधर जाने की ट्राई करता हूँ। तो कैंपस टूर में कॉम्प्लेक्स हो गया, लॉन डेविस कॉम्प्लेक्स हो गया, फील्ड हो गई, और 2 और फुटबॉल फील्ड हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जाऊँ साइंस फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज बिल्डिंग में भी होकर आता हूँ क्योंकि ये मेरी मेन बिल्डिंग है। आर्ट्स बिल्डिंग थोड़ी दूर हो जाएगी, पर देखता हूँ अगर टाइम मिला तो यहाँ भी होकर आऊँगा, और टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉम्प्लेक्स 1 और 2 दोनों।
दोनों जाके आता हूँ। उधर है अप्लाइड साइंसेज की बिल्डिंग, और जो मैं इतनी देर से सोच रहा था कि ये सामने क्या चीज़ है, पता नहीं कोई नई बिल्डिंग बन रही है। ये कोई नई बिल्डिंग नहीं है, ये बेनेट लाइब्रेरी है और 4 फ्लोर की लाइब्रेरी है। यहाँ सामने हॉलवे है केमिस्ट्री और सब सब्जेक्ट्स का, ये फिजिक्स है दिस वन, और ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। महात्मा गांधी नहीं 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 सही में मेरे को लग तो रहे हैं महात्मा गांधी है क्या। काफ़ी ढूंढ ली मैंने, मेरे को नहीं मिल रही। अप्लाइड साइंसेस की बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर है कहाँ वो ही नहीं पता। पता चल जाए तो मैं देखूँ। लेट्स सी इफ आई एम अलाउड एक्सेस और नॉट। कोई भी कैंपस आए अकेले मत आना। 3 घंटे हो गए मेरे को आए हुए और पूरी यूनिवर्सिटी अभी तक भी नहीं घूम पाया हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसलिए मैंने देखा है कि जो भी ऐसे फ्यू कैंपस दिखाते हैं वो सिर्फ ये चारों तरफ की बिल्डिंग और वो पानी वाला एरिया ये सब क्यों दिखाते हैं। अब जाके बोलो सलाब। पूरा जितना भी है चारों तरफ ये, इसको बोलते हैं अकेडमिक क्वाड्रेंगल। तो इसके भी बेसिस हैं, बेस 1 बेस 2 बेस 3। अभी कॉन्वोकेशन भी चलता ऑनलाइन ही रही है, तो ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने कैंपस पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कॉन्वोकेशन हॉल ही है। मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर 4 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये पता नहीं क्यों मेरे को देख के ऐसे लगता है कि कोई मेरी तरफ भाग रहा है। देख के लिया है मैंने जितना भी देख सकता था। अभी घर जाके क्लास भी अटेंड करूँगा। ये वाला एरिया पूरा ऑन कैंपस रेजिडेंस है। अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, काफ़ी सारे बन भी चुके हैं ऑलरेडी, और रेजिडेंशियल ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं इधर। ये SFU ट्रांजिट एक्सचेंज एरिया है, काफ़ी जल्दी बस मिल जाती हैं और काफ़ी इजी है किसी को भी। काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं बच्चे एक एक घंटा डेली ट्रैवल करके, तो उनके लिए इजी है। जब भी आओ तो यहाँ पर रहती हैं बसेस ऑलमोस्ट पूरा टाइम। अब घर पहुंच गया हूँ एंड डू लेट मी नो व्हाट शुड आई पोस्ट नेक्स्ट। बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू सॉ द वीडियो थ्रू आउट थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड वन।